हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हमारा मोटो है एसएससी सीएचएसएल में रीजनिंग मंत्रा की क्लास लेके मैं आपके सामने साहिल खंडेलवाल। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग सब जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। देखिए बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे एक फोकस को निर्धारित करेगा कि हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं और रीजनिंग क्या रोल प्ले करेगा हमारा एसएससी सीएचएसएल में। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, ये हमारी क्लासेस हैं जो कंटिन्यू चलेंगी। देखिएगा आपके सामने पूरा लाइव शेड्यूल दिख रहा है। ओके ओके बिल्कुल, देखिए सारी क्लासेस आपके सामने हैं, इसी प्रकार से चलेंगे। तो चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारा टारगेट है और किस वे में हमें तैयारी करनी है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए, बिल्कुल शुरू की जाएगी। देखिएगा टारगेट क्या है, 50 out of 50। ठीक है, 50 में से 50 मार्क्स लेके आने हैं सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में। ये मेरा टारगेट है और ये मैं टारगेट आपका पूरा करूंगा। क्लियर है, क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? बिल्कुल, देखिए जुड़ जाइए। जो आज की क्लास होने वाली है वो रीजनिंग के सारे फंडे खोल देगी। जितना आसान आप इस चीज को समझते हैं उतनी आसान हर चीज नहीं होती, प्रयास ही उसे आसान बनाता है, प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है हमेशा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क की वर्ड प्रॉब्लम में दोस्तों मैं लेके आऊंगा, लेकिन आज से सीएचएसएल का स्टार्ट करना था तो मैं आपके सामने ये सेशन लेके आया हूं, तो बिल्कुल तैयार हो जाए सब चीज के लिए। ठीक है ठीक है, चलिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशनल क्वोट से। देखिएगा ओके, देखिए उसमें वर्ड टारगेट 50 out of 50, टारगेट 50 out of 50, उसके ऊपर एक मोटिवेशनल क्वोट है कि सक्सेस उतनी ही होगी जितना हम अपने बॉल को जमीन में फेंकते हैं। तो जितनी ऊंचाई से अपनी बॉल उछलती है उतनी ही सक्सेस आपकी तब बोलेगी जब जितनी मेहनत आप करेंगे और उतनी ही मेहनत से आप अपनी आपकी सफलता बोलेगी। दोस्तों बिल्कुल देखिए, बिल्कुल दोस्तों मैं आपके 50 में से 50 मार्क्स लेके आने वाला हूं, इसमें मेरा टारगेट यही है। और आज का सेशन आपको ये क्लियर कर देगा कि 50 में से 50 मार्क्स कैसे लाए जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ आपको इस तरीके से आज पढ़ाने वाला हूं जो बिल्कुल अलग होगा। आपने आज तक ना तो कुछ चीजें सीखी होंगी। देखिए नॉलेजेबल क्लास होनी चाहिए, ठीक है ना, हर एक चीज से हम 3 चीजें क्लियर कर पा रहे हैं तो वो हमारी नॉलेज को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सर का बिल्कुल देखिएगा, देखिए बिल्कुल बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स से। ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक्स जो हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपकी स्क्रीन पे ये सारे टॉपिक्स हैं। इस तरीके से आपका सारा देखिएगा, ये टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको दिख रहा है कि एनालॉजी के 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस का पेपर होता है। आपको पता है कि रीजनिंग में हमें 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये टॉपिक आपके सामने आ चुके हैं, तो इनको देखिए एक बार। एनालॉजी के 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट और क्लासिफिकेशन के भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आज फर्स्ट क्लास है, सुखविंदर सिंह जी आज फर्स्ट क्लास है और आप सबको गुड आफ्टरनून। लगातार आप जुड़ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आपके, और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक है आपने देख लिए होंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एनालॉजी का टॉपिक। ठीक है, एनालॉजी का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हिंदी में कहते हैं समरूपता। ठीक है, समरूपता का ये टॉपिक है जो कि 6 मार्क्स का पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल हो या 10+2 हो या सीएचएसएल, सब में ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बिल्कुल दोस्तों देखिए टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और आप बस फोकस रखें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, क्योंकि कंटिन्यू लाइव क्लास आपके सिलेक्शन के लिए ही 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दी गई है। जैसे एक आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो वो सारा एनवायरमेंट आपको मिलना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई की जाएगी आपकी। तो मैं आपको बस समरूपता आज पढ़ाने वाला हूं और जो ये टॉपिक आज मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको मजा आ जाने वाला है। तो जिनको आता भी है ना तो वो भी आज मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना और मैं मानूंगा कि रीजनिंग आपके लायक नहीं है। क्लियर, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग आसान है तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे तो ही आप अगली क्लास देखना,
मैं आपसे साफ तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो 50 में से 50 लाख, 50 में से 50 नंबर लाने का मादा रखते हैं। बिल्कुल 50 में से 50 नंबर चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। देखिए ऊंचा सोचेंगे और दो, मतलब आपका 50 में से 50 बहुत मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्लियर। एनालॉजी आपके तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है दोस्तों, जिसमें वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपकी चलती है डिजिट बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। डिजिट बेस्ड मतलब अंक आधारित समरूपता, अंक आधारित समरूपता चलती है। इस तरीके से आपके ये टॉपिक कवर किए जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल। देखिए आप रिफ्रेश करिए, सत्यप्रकाश जी रिफ्रेश करिए, वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा वर्ड बेस मतलब होता है शब्द आधारित, जो हमारे पास एनोलॉजी होगी शब्द आधारित होगी, और तीसरी एनोलॉजी हमारे पास होगी अल्फाबेट बेस्ड, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अल्फाबेट बेस्ड हमारे पास ये एनोलॉजी होगी। तो अल्फाबेट बेस्ड मतलब वर्ण के अनुसार, वर्ण पर आधारित एनालॉजी करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको पॉइंट, मतलब आपको बेस बनाने के लिए बता रहा हूं, जो आप बेस बना पाए इन चीजों से और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, बिल्कुल बफरिंग का कोई चांस नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ऑल सेट है। क्वांट की क्लास सुबह 10 बजे होती है दोस्तों, तो आप 10 बजे नमन सर के साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल आप क्लास ले सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड बेस्ड के कुछ क्वेश्चन और उसकी बहुत सारी नॉलेज लेते हैं। आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सीखने के लिए तैयार हैं आप लोग। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए वर्ड बेस्ड का क्वेश्चन ले रहा हूं, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पे आधारित है, ठीक है। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मतलब वैज्ञानिक उपकरण पे आधारित क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि मैं आपको बहुत सारी डेप्थ नॉलेज देने वाला हूं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, वैज्ञानिक उपकरण के आधार पर जो भी आज तक वो पूछे गए हैं, उपकरण के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालॉजी के, वो हम करने वाले हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। हाइग्रोमीटर क्या नापता है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नापता है, स्टूडेंट्स का आंसर भी आ चुका है और मैंने ऑप्शंस भी नहीं लिखे। तो देखिए चेना कुशमा ने आंसर भी दे चुके हैं, मनोहर लाल भी आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आलोक प्रजापति ने भी दिया है, आर्द्रता नापी जाती है, बिल्कुल। अब इस बारे में आर्द्रता किसकी नापी जाती है, फटाफट से आंसर दीजिए, जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पे। आर्द्रता किसकी नापी जाती है, देखिएगा, पहला ऑप्शन साइंटिफिक स्पेसिफिक डेंसिटी था, विशिष्ट घनत्व, और दूसरा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, क्लियर। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, समुद्र की गहराई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, बिल्कुल। अब मेरी बताइए कि ह्यूमिडिटी किसकी नापी जाती है, वायु की आर्द्रता नापने के लिए हमारे पास हाइग्रोमीटर का यूज होता है। एनालॉजी का मेन मोटिव क्या है, ये समझिए पहले,
कि इसका इस वाले से जो संबंध होगा, इस एंटिटी का जो इस एंटिटी से संबंध होगा, या फिर इन दोनों का जो आपस में संबंध होगा वो ही इस वाले का किसी ना किसी ऑप्शन से संबंधित होगा। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 ह्यूमिडिटी ऑफ एयर राइट आंसर है। तो बिल्कुल बिल्कुल मार्क्ड, मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। संदीप जी आप स्टार्टिंग में वीडियो देखिए, मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बताया है, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आने वाला है कि हमारा टारगेट 50 आउट ऑफ 50 का है, जो कि आज हम सीखेंगे इन चीजों से ही। कि ये तो देखिए एनालॉजी में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लॉजिकल बातें कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, और आप मेरे को बताएंगे कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। चलिएगा अब अपने दूसरे जो हमारे पास फंडा है इनको याद कराने का, उस पर चलते हैं। क्लियर? अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप इसका उत्तर देंगे, फिर इसका आंसर पे चलते हैं। देखिएगा अब मेरे को आप बताइए, जो हमारे पास सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ किस लिए यूज होता है? फटाफट से आंसर दीजिए, सिस्मोग्राफ फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल देखिए सब कुछ समझ में आएगा, सिस्मोग्राफ किस तरीके से संबंधित है? ये अर्थक्वेक से संबंधित है, अर्थक्वेक से ये संबंधित होगा, जो कि भूकंप के वाइब्रेशन को नापने के काम आता है। ठीक है, भूकंप के वाइब्रेशन के नापने के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैथ की क्लास सुबह 10 बजे होगी दोस्तों। बिल्कुल देखिए, आपको अगर इसकी नॉलेज होगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे एनालॉजी में, और वर्ड बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पे बात कर लेते हैं फटाफट से, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आपको पता होना चाहिए किसके काम आता है, दूध की शुद्धता नापने के काम आता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता, ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क नापने के काम आता है, जो कि आपको जीएस में भी हेल्प करेगा। देखिए ये सेशन आपके लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोमीटर किस काम आता है, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे, प्योरिटी ऑफ मिल्क के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अगले पे देखते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस काम आता है दोस्तों? अल्टीमीटर मतलब होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है अपनी ऊंचाई को नापने के काम आता है दोस्तों, ऊंचाई को नापने के एल्टीमीटर काम आता है। अब आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल किसी का भी आंसर देंगे, अगर आपके पास कंटेंट याद होगा तो आप समरूपता एनालॉजी को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और तीनों टाइप की हम समरूपता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा रमाकांत यादव जी, विद्युत नहीं है इसका आंसर, अल्टीमीटर होगा, अपनी ऊंचाई मापने के काम आएगा। चलिए अगला, अगले का आंसर दीजिए फटाफट से, एरोमीटर किस काम आता है दोस्तों? देखिएगा एरोमीटर किस काम आता है बताइए, एरोमीटर का बताइए फटाफट से। यह भार और घनत्व, भार व घनत्व मतलब मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस, मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस एंड एयर, ये वायु की, वायु का भार और घनत्व नापने के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एयर प्रेशर, बिल्कुल मैंने मोनिका वर्मा जी पजल की क्लासेस ले चुका हूं, आप उन पजल्स को देखें, वही आपके लिए हेल्पफुल है, और सारी पजल मैंने उसमें लिखा हुआ है, ऑल टाइप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो चलते हैं अगले पे देखते हैं, अगला क्या है देखिएगा, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ किस काम आता है फटाफट से बताइए। देखिए अच्छे अच्छे आपको बता रहा हूं मैं कि क्रेस्कोग्राफ का क्या काम है, क्रेस्कोग्राफ ये किसके काम आता है, किसको मेजर करता है? अब बताइए, कुछ सीखने को मिलेगा नया। ये सोचिए कि अगर आपके सामने एनालॉजी में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्रेस्कोग्राफ किसके काम आता है, किसको मेजर करता है, देखिएगा फटाफट से आंसर दीजिए। इंग्लिश की क्लास 3 बजे है हिमालय झाजी, इंग्लिश की क्लास 3 बजे है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ नया सीखिए आज, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, कंपटीशन की भावना। देखिए पल्लवी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट पादप वृद्धि को नापता है, पादप वृद्धि को नापने के काम आता है ये क्रेस्कोग्राफ। तो यही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है आमिर जी, बिल्कुल ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, चीजें कुछ नया सीखने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल पजल नहीं आती है मंजीत सिंह जी, पजल नहीं आती है,
इसमें पजल नहीं आती है, तो चलो कुछ और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा और आपको एनालॉजी के क्वेश्चन सही करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या काम आता है, मेरे को आंसर दीजिए फटाफट से दोस्तों, फैदोमीटर क्या काम आता है। तो कुछ इसके बारे में बात करेंगे कि फैदोमीटर किस तरीके से यूज होता है और क्या वर्क करता है, क्योंकि हर चीज की नॉलेज आपके पास होगी तो आप जनरल साइंस में भी अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेरा मोटिव नॉलेज देना है, चाहे वो रीजनिंग में काम आए चाहे वो जनरल साइंस में काम आए। क्लियर दोस्तों? ठीक है, बिल्कुल फ्रॉम बेसिक शिवाजी, आप टेंशन ना लें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब फैदोमीटर बताइए फटाफट से मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल, फैदोमीटर का यूज क्या है, क्या यूज होगा फैदोमीटर में बताइए। बिल्कुल देखिए, राम प्रकाश परिहार का आंसर आया है, समुद्र की गहराई। बिल्कुल देखिए, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी को नापने के काम आता है ये। अब ये डेप्थ ऑफ सी कैसे नापता होगा, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठेगा और इसका आंसर मैं दूंगा आपको, क्लियरली आंसर दूंगा कि ये फैदोमीटर डेप्थ ऑफ सी मतलब समुद्र की गहराई को नापता है। किस तरीके से नापेगा समुद्र की गहराई, क्लियर है? समुद्र की गहराई नापता है किस तरीके से नापेगा, अल्ट्रासाउंड वेव से, अल्ट्रासाउंड वेव से ये नापेगा समुद्र की गहराई। और ये किस में नापेगा, इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि यूनिट का क्वेश्चन भी आपके सामने मैं कराऊंगा आपको कि यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। क्लियर? तो यूनिट पे, यूनिट क्या होगी इसकी, फैदम होगी। आपको देखिए नॉलेज दे रहा हूं, आप नॉलेज गैदर करिए, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक चीज जरूरी है। एसएससी कहीं से भी घुमा के किसी भी तरीके का क्वेश्चन पटक सकता है और वह क्वेश्चन आपके सामने पूछूंगा आपसे और आपको आंसर देना है, क्योंकि हमें 50 में से 50 का स्कोर करना है और ये चीजें हमें सीखनी ही पड़ेंगी, ऑलराउंडर हमें होना ही पड़ेगा। फैदोमीटर, फैदम इसकी यूनिट होती है, जो कि एक किसकी यूनिट है, गहराई की यूनिट है, डेप्थ की यूनिट है। ठीक है, गहराई की यूनिट है जो कि हम नापते हैं लंबाई के टर्म में। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा अब इसके बाद, एक फैदम बराबर क्या होता है, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट होता है। क्लियर है दोस्तों? एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, तो मतलब आप याद कर सकते हैं कि एक यार्ड बराबर, मतलब 2 यार्ड की इसकी लंबाई होती है, एक फैदम बराबर 2 यार्ड होता है और 1 यार्ड बराबर हमारे पास होते हैं 1 फीट। क्लियर? 1 यार्ड बराबर हमारे पास 1 फीट होता है और एक फैदम बराबर एसआई यूनिट में एक फैदम बराबर होता है 1.8288 मीटर। बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्ट डेटा लेके आया हूं, बिल्कुल देखिएगा। बिल्कुल, मैथ की क्लास का टाइम सुबह 10 बजे है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जीके की क्लास का टाइम 11 बजे है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। नॉलेज गैदर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं भी किसी भी वक्त पूछी जा सकती हैं, किसी भी क्वेश्चन में और कुछ भी तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट था और आपको मैंने बता दिया। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि हमारे पास अगला टॉपिक किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिएगा, अभी हम दोस्तों वर्ड बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि वर्ड बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। क्लियर? आगे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे डिजिट बेस्ड एनालॉजी, तो अभी आप वेट करें, डिजिट बेस्ड एनालॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर एक वो लॉजिक बताऊंगा आपको जो आपके लिए जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? हर वो लॉजिक बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम वर्ड बेस्ड पढ़ते हैं और फिर डिजिट बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल, जितना बोलेंगे उतना ही आपको एनर्जी मिलेगी, इसलिए बोलते हैं, नहीं तो क्लास बोरिंग करने में मजा नहीं है। देखिएगा, आगे देखिए आप, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
चलिएगा इसका आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से। बिल्कुल देखिए बिल्कुल पूजा सिंह जी का आंसर आ चुका है। सबसे पहले पूजा सिंह जी ने आंसर दिया है हुट। बिल्कुल दोस्तों सही बात है, इसका आंसर आ जाएगा एनालॉजी में हुट। किस तरीके से डिसाइड किया कि कैटल जो मवेशी होते हैं वो क्या करते हैं, रंभाते हैं, और आउल क्या करता है, हूटिंग करता है, मतलब हु हु करता है। क्लियर है ये चीजें? बिल्कुल देखिए आंसर नंबर फर्स्ट सबका आंसर आ चुका है। बिल्कुल अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। अब ये कू कौन करता है, गुटर गु कौन करता है? एक तो पीजन करेगा जिसको हम कबूतर बोलते हैं, ठीक है, पीजन करेगा, ठीक है। इसके बाद डव्स करेंगी, डव्स मतलब बतख, ठीक है। तो ये पीजन और डव्स गुटर गु करती हैं, तो ये एडिशनल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब गुड़गुड़ाना कौन करता है, कैमिल, कैमिल ऊंट और पिग्स, कैमिल और पिग्स दोनों ये गुड़गुड़ाते हैं, ठीक है। और हमारे पास चीखने का काम कौन करता है, हॉक्स मतलब होता है बाज, HAWS इसका मतलब होता है बाज, और वल्चर्स, वल्चर्स मतलब होते हैं गिद्ध, तो ये गिद्ध काम करेंगे चीखने का, बाज और गिद्ध चीखने का काम करते हैं। बिल्कुल देखिएगा दोस्तों एडिशनल नॉलेज भी आपको दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक एक छांट के आपको नॉलेज देने के लिए हैं। क्लास में नॉलेज होनी चाहिए तभी क्लास का मजा है, नहीं तो मजा नहीं है दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाँ फक्ता बोलते हैं और क्या, डब्स फक्ता उसी कैटेगरी में आते हैं दोस्त सारे। बिल्कुल गौरी शाह ने बिल्कुल सही पकड़ा। बिल्कुल देखिएगा हाँ दोस्त राइटिंग बिल्कुल अच्छी करेंगे भरत हार्दिक जी। बिल्कुल अब अगला देखिए, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल पे, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दिया होता है, जैसे ये दे दिया मक्खन, मक्खन दूध से बना है, ठीक है, तो मक्खन दूध से बना है, तो एनालॉजी का साइन लगा दिया, तो बताइए आगे क्या होगा। आगे मतलब आपको दे दिया शराब मतलब वाइन, ठीक है, वाइन किससे बनेगी, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर दीजिए मुझे। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट है जो कि हम मक्खन को बोल सकते हैं बटर, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल है, क्लियर, ये रॉ मटेरियल है, इससे क्या तैयार हुआ है हमारे पास, मक्खन तैयार हुआ है दूध से, तो मिल्क यहां लिख सकते हैं और यहां पर हम लिख सकते हैं बटर। क्लियर दोस्तों? देखिए इसका आंसर आएगा बिल्कुल, इसका वाइन किससे बनेगी, ग्रेप्स से बनेगी, क्लियर, इसका होगा ग्रेप्स, है ना। अब इसी वे में हम कुछ चीजें सीख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल आंसर सबके आ चुके हैं, बिल्कुल फ्रूट आंसर नहीं होगा, ग्रेप होगा जो कि आंसर सही है, बिल्कुल अंगूर ही आंसर होगा। बिल्कुल चलिएगा अब देख लेते हैं कुछ और बातें। देखिए लकड़ी से मतलब जो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा इसको मैं यहां लिखता हूं फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर में लिख देता हूं, किससे बनेगा, लकड़ी से मतलब वुड से, तो एक हो गया ये एग्जांपल। भाई चीजें सेम रहने वाली हैं, नॉलेज पता होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी मैटर क्या करती है, नॉलेज करती है। बिल्कुल इस तरीके से हो गया। अब एक और चीज सीख लीजिए, भाई वुड से फर्नीचर बनता है, और बता देते हैं आपको, देखिएगा लेटेक्स, ठीक है, ये किस लेटेक्स किससे बन, लेटेक्स से क्या बनता है, रबर बनता है, ठीक है, तो रबर हम बना देंगे लेटेक्स से, लेटेक्स हमारा रॉ मटेरियल है, लेटेक्स से क्या बनेगा, रबर बनेगा, क्लियर। देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए अंगूर से ही आंसर माना जाएगा, SSC जो आंसर मानती है वही आंसर दिया जाता है, क्योंकि SSC के आंसर अलग होते हैं चाहे कोई कुछ भी सोचे। बिल्कुल देखिए नॉलेज गैदर करना सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। देखिएगा अब और सीखते हैं कुछ नया, चलिएगा
चलिएगा आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका आंसर दीजिए, जब समाज शास्त्र समाज से रिलेटेड है तो बॉटनी किससे रिलेटेड होगा दोस्तों? आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। ये मैं आपके सामने और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेके आने वाला हूं जल्द। बिल्कुल प्लांट इसका आंसर होगा, क्लियर बात है आपके सामने, आपको पता चल गया कि प्लांट इसका आंसर होगा, पादप जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है, बिल्कुल आंसर प्लांट होगा। अब कुछ अच्छी चीजें सीख लेते हैं जो कि आपके लिए जरूरी होंगी। अब आप मेरे को बताइएगा, देखिए हेमेटोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? हेमेटोलॉजी, देखिए आपके जनरल साइंस के भी इतने सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा आज मैं, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है बताइए? हेमेटोलॉजी ऐसे लिखा होगा तो किससे संबंधित है? और फटाफट से आंसर दीजिए मुझे, पैडोलॉजी किससे संबंधित है? पैडोलॉजी, ठीक है, पैडोलॉजी किससे संबंधित है? इसके बाद प्लेसेंटोलॉजी किससे संबंधित है? इनके आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, क्योंकि कुछ नया सीखने ही तो अपन यहां पे आते हैं, और कुछ नया नहीं सीखेंगे तो फिर क्या मतलब है किसी चीज को क्लास लेने का, टाइम वेस्ट करने का। देखिए बिल्कुल आंसर आ चुका है, नरेश कुमार जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ब्लड। अनिल बिहारी जी ने भी आंसर सही दिया है, एकता दीक्षित जी ने भी आंसर सही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चलिए चलिए, बिल्कुल आंसर ब्लड ब्लड ब्लड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। आयरन गलत होगा, देखिए मैं फोकस कर रहा हूं, ब्लड देखिए इसका होगा रक्त से संबंधित, मतलब रक्त से संबंधित विज्ञान को, ब्लड से संबंधित विज्ञान को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? मजा आ रहा है, देखिएगा। हाँ, अब इसका आंसर बताइए पेडोलॉजी, पेडोलॉजी फटाफट से। बिल्कुल रिंकी कुमारी ने सही आंसर दिया है, पेडोलॉजी सॉइल से संबंधित होती है, मिट्टी से संबंधित विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं। क्लियर क्लियर, अब आपके सामने डाउट भी क्लियर होते जाएंगे, चीजें भी सीखने को मिलेंगी और मजा भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डबल एजुकेशन चल रही है। देखिएगा प्लेसेंटोलॉजी बताइए, प्लेसेंटोलॉजी किससे रिलेटेड है? जल्दी से रिफ्रेश करिए सत्यप्रकाश पांडे जी, आपके शायद फोन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, सबके सही कुछ चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन आपके सामने और लाने वाला हूं, तो मजा आएगा। अगर आप मोटिवेशन देंगे तो और भी एनर्जी आपको मिलेगी, और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए प्लेसेंटोलॉजी का अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है मुझे, इसका आंसर होगा दोस्तों ये फॉसिल से रिलेटेड है, मतलब जो हमारे पास जीवाश्म होते हैं, जो हमारे पास बड़े पुराने लकड़ियां ये सब पड़े हुए होते हैं, उनके लिए प्लेसेंटोलॉजी काम में आती है, फॉसिल के लिए। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि प्लेसेंटोलॉजी, अगर यही आ जाता कि सोशियोलॉजी सोसाइटी से संबंधित है तो प्लेसेंटोलॉजी किससे संबंधित होगी, तो आप क्या आंसर देते? फॉसिल से संबंधित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है स्वीटी कुमारी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए और कुछ नया सीखें, चलिएगा कुछ और नया सीखते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिएगा, देखिए मजा आना चाहिए, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि आप कम समय में हर वो चीज सीखें जो आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। हार्ट, हार्ट है आपके सामने, और ये है पेरिकार्डियम, ये आपके सामने पेरिकार्डियम है, ये हृदय होता है, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हृदय होता है, ठीक है। इस तरीके से ये पेरिकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियम, ये हो गया मेरा ब्रेन, ठीक है, जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं। अब इसका बताइए मेरे को, इसका आंसर दीजिए फटाफट से, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल मजा आएगा मोनू जी, आप साथ दें, आप बिल्कुल जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मैं ये चाहता हूं ये क्लास गांव, शहर, टाउन, कस्बा सब जगह पहुंचे, जो भी आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं, सब इन चीजों को देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये। बिल्कुल 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 दोस्तों, आप सपोर्ट करिए, बस सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक एक चीज देखिए, आंसर आया है श्री जी, हाँ बिल्कुल यादव जी का आंसर आया है सेरेब्रम पिट्यूटरी ग्लैंड, गलत आंसर है नीतीश जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए पेरिकार्डियम किससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। अब किस तरीके से रिलेटेड होता है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब इसका आंसर आएगा आपका क्रेनियम, इसका आंसर है दोस्तों, क्रेनियम इसका आंसर है, ठीक है। अब बोलेंगे कि क्रेनियम किसको कहते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
एक्सप्लेन इसलिए करता हूं क्योंकि जरूरी है आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा, किसका आपका कंसेप्ट किसका क्लियर होगा, एक जनरल साइंस का। पेरिकार्डियम हार्ट का बाहरी भाग होता है, मतलब आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस पेरिकार्डियम होता है, क्लियर, आउटर सरफेस को हम पेरिकार्डियम बोल सकते हैं। और देखिए सेरेब्रम कैरियम क्रैनियम आंसर सही है, ऑप्शन में यही है, सेरेब्रम अगर ऑप्शन में होता है तो सेरेब्रम आप दे सकते हैं, प्रेमस्तिष्क इसको बोलते हैं, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। पेरिकार्डियम एक हार्ट का आउटर सरफेस जो होती है, उस हार्ट की आउटर सरफेस को हम पेरिकार्डियम ही बोलते हैं दोस्त, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। हिंदी में देखिए पेरिकार्डियम ही लिखा मिलेगा आपको, ऐसे लिखा मिलेगा, तो इसमें हिंदी क्या करेगी बताइए, पेरिकार्डियम ऐसे लिखा मिलेगा तो आप इसमें हिंदी क्या करेगी, आपको लिखी साइंटिफिक नेम तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम मिलेंगे, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा आपका आंसर क्रैनियम आ जाएगा इसका, है ना। चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा वाला, इसका आंसर जरूर देना, और फिर हम चलेंगे अपने डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम पे जो आपका सिर घुमा देने वाली है, डेफिनेटली बोल रहा हूं मैं आपसे, तो लगातार जुड़े रहे, जो भी पढ़ना चाहता है उसको ये वीडियो भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर जी आप लेट आए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अब चीजें समझते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। टापू, टापू को बोलते हैं हम आइलैंड्स, ठीक है, ठीक है, आइलैंड्स बोलते हैं इस, इसका आगे है, इसके बाद है आर्चीपेलागो, आर्चीपेलागो, इसका आंसर देना मेरे को आप, ठीक है, रीजनिंग इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है शिप्स, ठीक है, इसका आंसर देना, शिप्स को आप जहाज कह सकते हैं, जहाज, ठीक है। अब मेरे को इसका आंसर दीजिए, इसको मैं इंग्लिश में और लिख देता हूं, इंग्लिश में भी इसको आर्चीपेलागो ही बोलते हैं, आर्ची पेलागो, ठीक है, क्लियर, ये इसका इंग्लिश हो गई। अब इसका आंसर दीजिए आप मेरे को फटाफट से, चलिएगा आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए मीना, मीना जी, देसी मीना बॉय जी, आप सुनिएगा, क्लास का शेड्यूल आपको दिया जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया हुआ है, तो बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और पता भी लग जाएगा। तो रोज अब यही क्लासेस ऐसे चलेंगी, रोज क्लासेस का टाइम क्या होगा, 10 बजे हमारी मैथ की क्लास होगी, ठीक है, वो नमन सर लेंगे, ठीक है, नमन सर उसकी क्लास लेंगे मैथ की, है ना। 11 बजे भुवनेश्वर क्लास लेंगे, भुवनेश्वर क्लास लेंगे जीके की, जीएस और जीके की, क्लियर, ये भुवनेश्वर क्लास लेंगे, है ना। इसके बाद 2 बजे मेरी क्लास होगी, ठीक है, ये होगी रीजनिंग मंत्र के नाम से, तो रीजनिंग की आपकी क्लास होगी 2 बजे, ये लेंगे साहिल सर जो कि मैं खुद हूं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी 3 बजे आपकी, 3 PM, ये 2 PM है, 3 PM आपकी इंग्लिश की क्लास होने वाली है। चलिए इस तरीके से पूरा शेड्यूल है, समझ में आ गई चीजें। अब बताइए आप मेरे को इसका आंसर दीजिए, जहाज का आंसर, जहाज के साथ आंसर क्या आएगा बताइए, फ्लीट इसका आंसर होगा, क्लियर है दोस्तों, फ्लीट इसका आंसर होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका फ्लीट आंसर होगा। अब मैं आपको चीजें समझाता हूं, रिलेशन कैसे पता लगाना है, देखिएगा, टापुओं का समुदाय, टापुओं का समुदाय क्या कहलाता है, टापुओं का बॉडी या कम्युनिटी या ग्रुप, ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड कहलाएगा आर्चीपेलागो, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराऊंगा राहुल जी, बस आप इस वीडियो को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए जरूर दें, अपने गांव, अपने कस्बा, अपनी गली, सब जगह इनको शेयर करें, क्योंकि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है जो कि आपको कहीं और एक साथ नहीं मिल सकता। बिल्कुल रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा आइलैंड का, टापुओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं आर्चीपेलागो, टापुओं का समूह, आइलैंड का समूह, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, बिल्कुल अंजलि जी आप सही समझी हैं, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है कि टापुओं का, आइलैंड का समूह क्या कहलाता है, आर्चीपेलागो। अगर इसको एग्जाम में देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि नया क्या चीज आ गई है, आर्चीपेलागो क्या होता है, क्लियर। तो जहाज का समूह क्या कहलाएगा, फ्लीट कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेड़ा, ठीक है, बेड़ा भी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बेड़ा दिया रहता है, ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल, फ्लीट क्या है? फ्लीट ये होता है जहाजों का जहां पे समूह होता है उसको फ्लीट कहा जाता है, बेड़ा कहा जाता है, ना कि बंदरगाह। बंदरगाह पे तो डॉकयार्ड कहते हैं, बंदरगाह इसका आंसर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, लेट होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप वीडियो अभी आप जुड़ जाइए, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलते हैं अपने, ये कलेक्टिव नाउन है बिल्कुल भाई। फ्लीट इसलिए हुआ सुंदर क्योंकि जहाजों का समूह हमेशा फ्लीट ही कहलाता है। जिस तरीके से आइलैंड का समूह, जो कि हमारे आइलैंड्स होते हैं, उनका समूह आर्चिपेलागो कहलाता है। एक बॉडी, बहुत सारे आइलैंड एक साथ जुड़ेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आर्चिपेलागो कहलाएंगे। तो इसी तरीके से जितने भी जहाज एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनको कहते हैं बिल्कुल क्रू। तो उसके अंदर जो जहाज के अंदर कैप्टन होता है वो कहते हैं क्रू मेंबर्स, ठीक है? तो जहाज को कहते हैं क्रू, तो उसका समूह नहीं होता क्रू। क्लियर है? बिल्कुल, देखिए गुंजन शर्मा ने बिल्कुल राइट लिखा है, ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। तो चलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अगले अब टॉपिक पे चलते हैं, डिजिट बेस्ड एनालॉजी करेंगे। अब ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है सेशन। अब देखिएगा आपके जो भी दिक्कत होती है, डाउट्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रविंद्र जी, तो आप कंटिन्यू जुड़ जाइए। देखिएगा नया टॉपिक क्या है, फ्लीट बेस, ठीक है? मतलब नया टॉपिक हम क्या करेंगे, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिट एनालॉजी। क्लियर? डिजिट एनालॉजी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसको आप करना है, आपको करना है इस क्वेश्चन को, और मुझे आंसर चाहिए सारे, और फिर मैं आपको एक एक करके सारे लॉजिक बताऊंगा कि किस तरीके से इसके आंसर दिए जाते हैं। क्लियर है? अब ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर? 777 ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, 945, ठीक है, सी 1145, इस तरीके से यहां पर यह आएगा डी, और 328। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए अब आंसर दीजिए, फिर आपको एक नए नए लॉजिक देखिए देखिए। अब मैं बिल्कुल डेली क्लास होगा, श्रेयान विश्वास जी डेली क्लास होगा। फ्लीट क्या होता है आशुतोष राय जी? फ्लीट होता है जो हमारे जितने भी जहाजों का ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहते हैं। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ही शुरू हुआ है भारद्वाज जी, आज ही शुरू हुआ है। मैं आपके सारे कंसेप्ट सारे चीजें पढ़ रहा हूं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें और चीजें समझें। देखिए जितने भी आंसर आ रहे हैं अभी तक तो सारे आंसर गलत आए हैं, बिल्कुल सभी के। देखिए दीपक पांडे जी ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल दीपक पांडे जी वेल डन। और देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बी आंसर नहीं होंगे, और मैंने कहा था ना अब आपका दिमाग खुलेगा, रीजनिंग इतनी आसान चीज नहीं है, ठीक है। फ्यूचर गाइज ने भी सही आंसर दिए हैं और लगातार आंसर लगातार आ रहे हैं। पूजा सिंह बिल्कुल वेल डन, पूजा आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ना मलिक जी आपका भी आंसर सही है, देखिएगा। चलिए चलिए जल्दी फटाफट सबके आंसर आ रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। आपको पता लग रहा है कि 5 से 35 किस तरीके से संबंधित है, 5 से 35 किस तरीके से संबंधित है? तो मैं तो ये मानता हूं अगर मुझे 5 से 35 जिस तरीके से संबंधित होगा, इस ऑप्शन में ये वाला उससे संबंधित होगा, एस में ये वाला इससे संबंधित होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अब आंसर आए हैं, भूमिका जैन राइट राइट बिल्कुल ए आंसर होगा। चलिएगा अब मैं समझाता हूं कैसे होगा। 5 से अगर मुझे 35 बनाना है तो मुझे 5 × 7 करना पड़ा। क्लियर हो गई ये चीज? 5 × 7 करना पड़ा। तो एक 5 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 प्राइम नंबर होता है और उसने अगले प्राइम नंबर 7 से मल्टीप्लाई किया जो कि इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन देखे, मैंने पहले 7 लिया तो 7 का मैंने अगर 77 बनाना है तो मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 11 ही तो होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। 9 प्राइम नंबर है ही नहीं, 3 प्राइम नंबर है लेकिन उससे अगले ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको पेयर ढूंढना है और इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा अगले प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। 3 से अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 15 होता तो हम आंसर दे सकते थे, लेकिन 15 है ही नहीं तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आंसर हमारा ए हो जाएगा। गॉट इट?
गॉट इट, बिल्कुल। देखिए आकाश सेठ जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिनका बी आ रहा है वो चेक कर लें एक बार, देखिए गलती नहीं। और हाँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे और जो भी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ना, कंसेप्ट एक एक जो आपके सामने वो आ रहा है पैटर्न, वो लिख लें, क्योंकि इससे बाहर कोई पैटर्न जाने वाला है नहीं और आपके लिए हेल्पफुल भी बहुत होगा। क्लियर है? तो देखिएगा अब इसका आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हेमंत जी आप नए हैं तो कुछ नहीं है, हम तो पुराने हैं और हम आपका ध्यान रखेंगे पूरा। मेंस की क्लास लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे यार, क्यों नहीं लेंगे। रितु जी बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, चिंता ना करें। ए इज राइट आंसर, बिल्कुल आप सही हैं। और जिनका आंसर सही है वो अपने, देखिए अपना तजुर्बा आप खुद ही रखिए अपने, और आप अपने से और भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रियांशु जी आज कुछ नया सीखा नहीं सीखा, आप ये बताइए मेरे को। प्रियांशु मैं आप पे फोकस कर रहा हूं और आप बताइए कुछ नया सीखा नहीं सीखा, गलत हो गया तो क्या हो गया ये बताइए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर वाला लग रहा है, बिल्कुल आशीष खंडेलवाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर देना। देखिएगा 6 18 4, चलिए बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। सुरेंद्र दीक्षित जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस मेरा जो कहना है ये बात मान लें कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो हर एक गली के चप्पे चप्पे में, हर एक टाउन में, हर एक शहर में जो बंदा कुछ सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसी के पास ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि हर किसी को हेल्प मिलनी चाहिए। जितने से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आंसर दीजिए दोस्तों इसका, 6 से 18 किस तरीके से बना होगा, जो 4 से इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए आंसर आ चुका है मेरे पास। देखिए अश्विनी जी ने आंसर दिया है जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए हाँ बिल्कुल आलोक प्रजापति जी आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए एक का आंसर गलत था, डी लगाया वो देख लें एक बार, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे फंडा लगा है इसमें सी का। देखिएगा 6 का स्क्वायर किया मैंने, पैटर्न समझ लें, पैटर्न नोट कर लें अपनी नोटबुक में, क्लियर। तो पैटर्न नोट कर लें, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का 2 करेंगे डिवाइड में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्लियर। तो 6 का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है तो 18 बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यही परफॉर्म होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 होता है, 16/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, क्लियर। तो इस तरीके से समरूपता लगेगी कि पहले में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वही दूसरे में होगा, क्लियर हो रही है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों सब बताइए, और मुझे यस लिख के भेजिए, सर मजा आ रहा है क्लास में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, सारे पैटर्न क्लियर करूंगा, ये पैटर्न नोट करते जाएं, क्लियर हो रहा है सब कुछ बताइएगा फटाफट से। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेट चला गया। सी आंसर ऐसे होगा, जब मैंने बोला था क्वेश्चन ये था कि 6 का स्क्वायर डिवाइड 2 करेंगे, स्टार्टिंग में 6 था, 6 से 18 बनना है तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18 बनेगा। सिमिलरली 4 था, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल यस सर, गॉट इट सबका, सबको समझ में आ गया, यस यस यस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला कंसेप्ट अगला पैटर्न, चलिएगा तैयार हो जाइए फटाफट से। देखिएगा अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए दोस्तों।
वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू दीपक जी, इंटरेस्टिंग की क्लास मिलेगी, मजा आएगा, एक एक चीज मुझे 50 में से 50 चाहिए, और आपको चाहिए नहीं चाहिए बताइए, क्योंकि आपको पता है CHSL में 50 नंबर का रोल प्ले होता है, और 50 नंबर कोई मामूली बात नहीं है, अगर हम 12 मिनट में अगर 50 नंबर ला रहे हैं ना तो ही हम जीत रहे हैं, नहीं तो हम हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जहां आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और तब तक आप उनको पैटर्न पता नहीं होगा, हम सोचते हैं कि रीजनिंग आसान है, बहुत आसानी से हो जाती है, कोई दिमाग पे वर्डन नहीं देना पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा वर्डन यही लेती है, तभी तो जितने भी IAS RAS जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं सब में रीजनिंग पूछी जाती है, क्यों? क्योंकि दिमाग, मेंटल एबिलिटी जांच करने के लिए। चलिए इसका आंसर मेरे पास आ रहे हैं, और देखिए 84 जिनका आंसर आया है वो बिल्कुल राइट है, 96 नहीं होगा 84। देखिए वेद प्रकाश वर्मा जी ने 84 दिया है, कविता ने भी 84 दिया है, बिल्कुल देखिए मजा आ रहा है दोस्तों, देखिएगा जब आप आंसर देते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए कैसे आया 9 से 72 कैसे बना, क्लियर है? देखिएगा कैसे बना 9 से 72, ऐसे नहीं बना कि 9 से 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 72 बन गया, तो मैं 12 का भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यों नहीं बना सर 96 क्यों नहीं आया? दोस्तों आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, और एग्जामिनर भी यही सोचता है कि भाई 9, 8, 72 हो रहा है तो मैं 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके 96 क्यों नहीं दे दूं आंसर, ये भी सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है, 76 को 96 मत मान लेना कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, क्लियर है? चलिएगा अब चीज समझते हैं कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये है, चीज समझना, देखिए 7 और 2 को जोड़ने पर, डिजिट को जोड़ने पर 9 बन रहा है नहीं बन रहा, तो आपको 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आंसर की जिस डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 और 4 जोड़ने पर ही तो 12 आ रहा है, तो 12 ही आंसर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 84 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका। और देखिए 6 और 9 15 नहीं है 12 चाहिए, देखिए 6 हो रहा है और 7 हो जाए 13 हो रहा है, क्लियर है? बिल्कुल मजा आ रहा है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले लॉजिक पे, पैटर्न नोट करते जाएं आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल नंबर सीरीज की क्लास होगी, धीरे धीरे सीढ़ी पे बढ़ा जाता है संदीप जी, आज एनालॉजी पढ़ेंगे, फिर एनालॉजी का जो लेटर वाला पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल 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 टाइमिंग यही होगी, 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और तैयार हो जाएं आप, सारे काम छोड़ दें क्योंकि कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मजा आ रहा है ना, नोट्स खुद बनाइए, मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल देखिए चीजें करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ध्यान पढ़ाई पे देना है, मेरी क्लास में ध्यान पढ़ाई पे, मजाक हम 2 मिनट आपको दूंगा लास्ट में, मजाक करना जितना करना है, कुछ भी बोलना है बोलना, लेकिन मेरे से पढ़ लीजिए ध्यान से बस, ठीक है? टाइमिंग 2 बजे होगा आकाश कुमार गुप्ता रीजनिंग का, बिल्कुल देखिए। इसका आंसर आ चुका है, वेरी गुड आंसर आ चुका है मेरे पास, देखिए 1225 किसने दिया है, मेघराज मीणा जी ने आंसर दिया है, वेरी गुड मेघराज जी, बिल्कुल 1225 आंसर होगा। यश पाठक पटनायक का भी आंसर आ चुका है, और जो 3 आंसर दे रहे हैं उनका भी ठीक है, संकेत जी बिल्कुल, अनिल बिहारी जी आपका भी आंसर ठीक है, नजमा जी आपका भी आंसर ठीक है, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपका गलत है, देखिए फैज अलाम जी आपका 848 आंसर गलत है, तो चेक करें क्या गलती है, और वो मैं बताने वाला हूं कि क्या गलती है आपकी, देखिएगा हाँ बिल्कुल आंसर सही आ रहा है सबका, देखिए आंसर तो दे दिया आपने सबने, है ना, आंसर सबका सही आ रहा है क्या, ये बताइए मेरे को दोस्तों, ये सोचा नहीं कि क्वेश्चन पे फोकस करना जरूरी था, मैंने ऑप्शन गलत दिए तो आपने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए इसके असली ऑप्शन ये हैं, क्लियर, असली ऑप्शन इसके ये हैं, अब इसका आंसर दीजिए आप,
मैं समझ रहा था कि आप समझ जाएंगे कि सर ऑप्शन का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन रीजनिंग में तो आपने पास हो गए यार, आपने आंसर लेके आ गए। ये ऑप्शन है इसके असली में, मैंने बस जानबूझ के ये ऑप्शन दिए थे जिससे कि आप देखें कि गलती है या नहीं क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल, कंसेप्ट बताएंगे, चीजें देखिए, आप देखिए कुछ भी आंसर दे देते हैं, है ना, 1225 आंसर आ रहे हैं लगातार। देखिए चीजें समझने की देर है दोस्तों, चीजें समझ के दिया कीजिए। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा था जो आपने आंसर दे दिया, बताइए मेरे को। बिल्कुल मनोज कुमार जी, ले आपका नाम ले लिया मैंने आज, मनोज कुमार जी आंसर दीजिए फटाफट। मोनू कुमार जी गलत आंसर, 62 आंसर नहीं होगा, देखिएगा। हाँ मैं वही तो कह रहा था, आपने आंसर कितनी जल्दी दिया है ना, 1225 सर, 1225 आ रहा है सर, जल्दी लगाइए सर। मैं कह रहा हूँ सर कह रहे सही है तो सबको मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर इज, देखिए अभी तक आंसर सही नहीं आया मेरे पास, आंसर अभी तक भी सही नहीं आया, बताइए आंसर दीजिए। चलिए कंसेप्ट पे चलते हैं, देखिए क्या है। आपको पता है 18 2 36 होता है और मुझे 30 बनाना है, तो 36 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास 30 बन गया। क्लियर, तो 18 से 30 बना कैसे, 18 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस किया। सिमिलरली अब मेरे पास क्या है, देखिएगा क्वेश्चन ही गलत था यार। चलिए क्वेश्चन था 36 आएगा यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल 36 क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 66 आंसर आ जाएगा, 36 आएगा और 36 का मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 66 आंसर हो, 36 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आंसर हो, 6 माइनस हो जाएगा तो 66 आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक थी दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया था, 36 यहाँ पे होगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, चीजें समझ में आनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। अगले क्वेश्चन में फोकस करिए, उस क्वेश्चन पे ध्यान ना दें क्योंकि वो मेरे से मिसप्रिंट हो गया था, गलती मुझसे हो गई, आई एम सो सॉरी। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने अगला है, अब इसका सॉल्यूशन दे मेरे को। चलिए चलिए मंजीत जी, आई एम सो सॉरी यार, गलती हो गई यार, चलिए चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया। राठौड़ जी मिसप्रिंट हो गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़िए। चलिए चलिए चलिए, नहीं नहीं यार नहीं करेंगे, सॉरी यार। हाँ ये सही है, ये सही है, इसका आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, इसका आंसर दीजिए। देखिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है सबका, 52 राइट आंसर, बिल्कुल। कैसे किया जल्दी देखिए, कैसे किया आप लोगों ने, देखिएगा आपने कैसे किया है, देखिए 20+2 किया, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 22/2 11 आ गया। सिमिलरली क्या करना है हमें, क्या करना है, 102+2 करना है तो 104 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 49 आंसर नहीं आएगा दोस्त, 49 आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल दोस्तों देखिएगा। सबका आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए दोस्त अगर आप इन पैटर्न को देख लेंगे ना, सारे पैटर्न में करा रहा हूं आपको, सारे पैटर्न में करा रहा हूं और हर एक पैटर्न इंपॉर्टेंट है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का और कल भी यहीं मिलेंगे आपको, और एक आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर दीजिए और इसके बाद आपका ये सेशन खत्म करते हैं। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे अभी पूछें आप, क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आपके सामने देखता हूं, 40, 35, 32, 21 क्लियर। चलिए इसका आंसर दीजिए, चलिए चलिए। देखिए सारे पैटर्न प्रोवाइड करा रहा हूं, एक एक पैटर्न को ध्यान से देख लें, क्लियर हो रहा है ना, सब चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल लाइक करो वेद प्रकाश जी, लाइक बिल्कुल करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। देखिए मैं आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं जिससे आपका एक भी नंबर गलत नहीं हो, और देखते ही आप पहचान जाएं एग्जाम में, अरे यार ये तो वही वाला पैटर्न है, वही वाला क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा है ना।
चलिएगा आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए मुझे। पैटर्न जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड, तब पता चलेगा, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्लियर हो रही है? देखिए सबके आंसर आ चुके हैं, देख, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए 32 जिनका आंसर आ रहा है, वेरी वेल डन दोस्तों, वेरी वेल डन। अब ये किसका है? डिजिट सम वाला पैटर्न है। किसका पैटर्न है? डिजिट सम वाला पैटर्न है, जो कि मैं आपको बताता हूं। देखिए 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, और 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 किसका सम है? 1+3 का। क्लियर हो रही है चीजें? क्लियर है? देखिएगा अब जो हमारा आंसर होगा ना, वो इन दोनों का सम करने पर 9+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10/2 करने पर 5 आ रहा है, और इन दो जो आंसर होगा, आंसर के डिजिट का सम 5 होना चाहिए। तो 4 और 0 4 हो रहा है, 5 और 3 3 और 5 8 हो रहा है, 3 और 2 5, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 32 जिनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 32 ही आंसर होगा, जो बिल्कुल मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आया। देखिए ये आज का सेशन था हमारा, देखिए 32 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सब चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल। अब कुछ बातें कर लेते हैं, बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, बिल्कुल अब बताइए मुझे। अब क्लास खत्म कर रहे हैं हम, अब क्लास यहाँ पे समाप्त हो रही, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जितने हमारे पास एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, कल 2 बजे तैयार रहें, और ये चीज़ें दोबारा से हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। वर्ड बेस्ड जो हमारे पास लेटर की एनालॉजी की क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे, सारे पैटर्न के जो भी पैटर्न पूछे जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हैं वेद प्रकाश जी, आप सही हैं। और देखिए, हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी। हाँ, आप लोग वीडियो लाइक में कंजूसी क्यों कर रहे हैं बताइए, आपका आपके हाथ में है सब कुछ, बिल्कुल। कैलेंडर भी पढ़ाएंगे, डेली होगी क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल। रीजनिंग मंत्र नाम दिया गया है, मंत्र फूक फूक के क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है ना? तो बिल्कुल मैं सारी चीजें पढ़ रहा हूं आपकी, और सारी आपकी क्लासेस को मैं देख रहा हूं कि क्या आपको सिखाना है मुझे, और किस तरीके से आपका सिलेक्शन पक्का करना है, क्योंकि हमें कितने लाने हैं? 50 out of 50 नंबर लाने हैं, सारे 50 out of 50 लिखें, 50 out of 50 मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मजा आएगा, बिल्कुल। चलिए सेशन समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, फेसबुक ट्विटर जहां भी आपको कुछ भी मिले शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।